प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अमेरिका और कनाडा क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है और भारत को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा है? भारत का आदमी जाकर के कनाडा में निज्जर को मार देता है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ नहीं कर पाती। भारत का एक पूर्व रॉ एजेंट अमेरिका में जाकर के पन्नू को मार गिराता है और अमेरिका जो इतना पावरफुल है पूरी दुनिया में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान में भारत का व्यक्ति एंटर करके पाकिस्तान के 28-29 टेररिस्ट को मार गिराता है, कभी छाती पर गोली डाल देता है, कभी माथे पर गोली डाल देता है और पाकिस्तान की सरकार चूड़ियां पहन करके बैठी रहती है। मैं ट्रूडो के लिए भी पूछूंगी कि बिंदिया लगाते हो क्या, मैं जो बाइडेन के लिए भी पूछूंगी आलता लगाते हो क्या, और मैं पाकिस्तान के लिए भी पूछूंगी कि चूड़ियां पहनते हो क्या। तब तो इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में भारत के जितना डिफेंस किसी का भी मजबूत नहीं है, इस पूरी दुनिया में भारत के जितना फॉरेन मिनिस्ट्री किसी का भी मजबूत नहीं है। तब तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि भारत की जितनी मिलिट्री और आर्मी जितनी मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत किसी पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब एक तमगा लेकर के अमेरिका घूम रहा है क्या कि वो बहुत मजबूत है, वो बहुत मजबूत है। मतलब आप मानती हैं कि ब्लो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पीछे भी भारत का हाथ है? मैं ये तो नहीं मान रही, मान रही है कि हमारे आने से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। नहीं भारत हमने बोला क्या ब्लोस को कि चाइना और पाकिस्तान के वजीर आजम को तुम एयरपोर्ट मत इनॉग्रेशन करने दो? हमने तो नहीं बोला। हमारे प्रेजेंस से वो ताकतवर अपने आप को महसूस किया, हमारे प्रेजेंस से उसको लगा कि वो अपने विवाद को वो और भी खूबसूरत बना सकता है। हमारे प्रेजेंस से उसको ऐसा लगा कि हम वो अपनी आवाज ऊंची कर सकता है। अब कोई बोलेगा कि नाज़िया बहुत अच्छी है तो मैं उसके मुंह को चाप तो नहीं दूंगी, मैं कहूंगी हाँ भाई बोलो मैं अच्छी हूँ। तो उसी तरीके से ब्लोच और पीओके के अगर जनता आवाम कह रही है कि उसको भारत में जुड़ना है तो जुड़ जाओ ना भाई, दिक्कत कहाँ है। हम तो भगवा झंडा लहराने और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एकदम तैयार है ब्लोच में और पीओके में। वी आर ए बाई हर्ट प्राउड इंडियन, हम संविधान मानने वाले हैं, हमको खालिस्तान में मत छोड़ो। इवन मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो इंडियन नेवी ऑफिसर है, जो कर्नल है, जो मेजर है, जो बड़े बड़े पदों पर है, वो लोग भी कहते हैं कि पागल है ये लोग, ये खालिस्तानी। खालिस्तानी लोग क्या करते हैं? ये लोग नशे का व्यापार करते हैं, ये लोग तोलाबाजी का व्यापार करते हैं, ये लोग ड्रग्स कोकीन का व्यापार करते हैं, ये लोग ब्लैक मनी हुंडी का व्यापार करते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और इल्जाम किसी और पर लगाते हैं। ऐसा मुल्क जो कि हमेशा टेररिज्म की बात करता है, भारत एक ऐसा मुल्क जो कि पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात करता है, जो ट्रेड की बात करता है, पीस प्रमोटर के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि हमारा पड़ोसी बहुत मुश्किल का शिकार होने वाला है। इस पर हम बात करेंगे नाज़िया अली खान से। बहुत से कहते हैं ना राज ऐसे हैं जिस पे पर्दा आज हम फास्ट करने वाले हैं। तो नाज़िया जी को सबसे पहले वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। नाज़िया जी ये क्या हुआ, हमें तो नजर ये आता था कि इंडिया एंड यूएस आने वाले दिनों में बेहतरीन दोस्त बनने वाले, और पाकिस्तान में हमेशा ये चीज है कि इंडिया इस वजह से पावर में है, इंडिया इस वजह से तरक्की कर रहा है क्योंकि उसके पीछे यूएस है। और अब यूएस ने सीधा सीधा जो है रॉ इंडिया की जो एजेंसी है उसको टारगेट किया है। क्या समझ रही हैं, ये हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? शला, पाकिस्तान को एक अजीब सी बेचैनी है। जब खतर में हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया था तब भी पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था, देखा। जब मालदीव के साथ थोड़ी सी तूतू मैं उनकी तरफ से ही हुई थी, मालदीव की तरफ से, और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं गया था, तब भी पाकिस्तान ने कहा देखा। तो उसके बाद फिर जस्टिन ट्रूडो के साथ 2023 में जो मुठभेड़ हुआ, उनके डिप्लोमेट को निकाल दिया गया और 48 घंटे पहले भी उनके डिप्लोमेट को निकाला गया है।
तो भी पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ, देखा देखा। तो मिडल ईस्ट और यूएई में अभी बहुत बारिश हुई थी, वहां के लोग दुआएं मांग रहे थे कि भाई बारिश हुई है, और पाकिस्तान कह रहा था देखा अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आई है जिसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो आराम से, फॉरेन मिनिस्टर उसको हैंडल करेगा और टेक ओवर ले चुका है, उसको आराम से देखा जाएगा। और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जो स्टेटमेंट अमेरिका को गया है, विकास यादव पूर्व रॉ एजेंट के लिए, उससे अमेरिका ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो सेटिस्फाइड भी है। अब ये बात सच है कि पहली बार किसी पूर्व रॉ एजेंट के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गैजेट इश्यू किया है, पोस्टर छापा है। ये पहली बार हुआ है भारत में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं इसको मानूंगी, मैं इसको मानूंगी। विकास यादव पूर्व भारत का रॉ एजेंट था, पूर्व हरियाणा रिवाड़ी का रहने वाला था, 39 ईयर का है, जिसमें जिसके ऊपर अमेरिका ने इल्जाम लगाया है FBI की तरफ से कि उसने अमेरिका के एक बहुत ही शरीफ वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की है। एक शरीफ वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की है। मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूं कि अमेरिका के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कह पा रहा है कि विकास यादव के द्वारा भारत के आतंकी और भारत के टेररिस्ट जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ था पन्नू की हत्या की है। ये अमेरिका पन्नू के मरा नहीं है मर्डर में, हाँ पन्नू मरा नहीं है। हाँ आई नो, मैं अपनी आंखें जियोपॉलिटिक्स पर बहुत तेज रखती हूँ। तो आप जब विक्टिम का नाम ही नहीं बता पा रहे, क्योंकि पन्नू क्या है, सिख फॉर जस्टिस चलाने वाला पन्नू एक नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों के पासपोर्ट और दोनों के सिटीजन है, और एक व्यक्ति दो देश के सिटीजन कभी नहीं रख सकता है, एक व्यक्ति दो देश की नागरिकता कभी नहीं रख सकता है, एक व्यक्ति दो देश के पासपोर्ट कभी नहीं रख सकता है। और भारत ने हजार नहीं लाख बार चिक चिक कर बताया हुआ है कि पन्नू निज्जर जसमित ये जितने लोग हैं ये भारत में टॉप लिस्ट पर आतंकी और टेररिस्ट हैं, जैसे हाफिज सईद है, जैसे दाऊद इब्राहिम है, जैसे जाकिर नायक है, जैसे यासीन मलिक है, जैसे जैसे अजमल कसब है। ठीक उसी तरीके से पन्नू जसमित और निज्जर भारत के जो हमारा गैजेट है उस हिसाब से टॉप लिस्ट का आतंकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो अमेरिका ने अपना एक खुफिया बुद्धि जो उनके पास हमेशा से रहा है वो उन्होंने लगाया है कि हमारा जो टेररिस्ट आतंकी है जो टॉप लिस्ट पर है, जिसका नाम ऑलरेडी सब जगह भेजा जा चुका है, उसको अमेरिका बता रहा है पन्नू के लिए कि वो बहुत ही शरीफ वकील है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। नाम तो अमेरिका मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना, सीधी बात। जब मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑलरेडी इंडिया ने भारत ने भेजा हुआ है, कनाडा को भी भेजा हुआ है और अमेरिका को भी भेजा हुआ है, पाकिस्तान को भी उसका भेजा हुआ है, तो फिर आप कैसे, अब जैसे पाकिस्तान हाफिज सईद को बोलता है कि बहुत शरीफ है, दाऊद इब्राहिम को बोलता है बहुत शरीफ है, जाकिर नायक के लिए रेड कार्पेट बिछाता है पाकिस्तान जो अश्लीलता की बातें करता है, उसी तरीके से अमेरिका जो है वो पन्नू जैसे टेररिस्ट और आतंकी को कह रहा है कि बहुत शरीफ जो वकील है और राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी हत्या में फॉर्मर रॉ एजेंट विकास यादव का हाथ है। भाई नाम बोलो ना, पन्नू नाम बोलो, नाम क्यों नहीं बोल रहे हो? अब क्योंकि पन्नू पहले से ही भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में है, तो इसलिए FBI जो है और अमेरिका की जो सरकार है वो उसका नाम नहीं ले पा रही है। अब रॉ के एक्स ऑफिसर का पूरा नाम और कोड, यहाँ तक कि अमेरिका उसके कोड नाम भी बता रहा है कि अमन तो उसका कोड का नाम था, तो भाई पन्नू का नाम क्यों छुपा रहे हो, पन्नू का नाम क्यों छुपा रहे हो? अब बात यहाँ पर आती है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये भी होता है हमेशा, आस्तीन में हमेशा सांप होता है,
हम दूसरे को क्या कोसे या दूसरे को क्या बोले, हमारी आस्तीन में ही जब सांप पलता है। इस बात से किसी को दो राय नहीं होगा जो लोग मेरे और आपके इस डिस्कशन को देखेंगे। हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी साहब, उन्होंने रॉ एजेंट के बारे में पूरी पूरी जानकारी जो है वो ईरान और पाकिस्तान को दिया था जब वो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत थे। तब उन्होंने पूरी पूरी जानकारी कि हमारा कौन कौन सा रॉ एजेंट ईरान में बैठा हुआ है वो उन्होंने ईरान की सरकार को लिखित रूप में दिया था और कोड वर्ड भी दिया था और उनके उनके सारे इंफॉर्मेशन दिए थे। और ये भी कहा था हमीद अंसारी साहब ने, कांग्रेस के तरफ से उपराष्ट्रपति बने थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत बने थे और बड़े आराम से बड़े बंगले में रहते थे, सारी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इनको दिया जाता था। और ये क्या करते थे हमीद अंसारी साहब, ये करते थे कि ये ईरान को हमारे रॉ एजेंट की खुफिया राज ईरान को पहुंचाते थे और ईरान सबको ठो 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 करके गोली मार करके गिराता था। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह की सरकार जब आई तो मनमोहन सिंह ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है और हमीद अंसारी साहब ने दिया है। उसके बाद फिर कांग्रेस के एक और नेता थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को हमारे रॉ एजेंट का और हमारे इंटेलिजेंस का नाम दिया था और कहा था मार लो, आराम से मार लो, हम भी परेशान है उससे। तो क्या ही पता कि अभी राहुल गांधी दौरा करके आए हैं वॉशिंगटन का, अभी राहुल गांधी दौरा करके आए हैं अमेरिका का, अभी राहुल गांधी दौरा करके आए हैं विदेश का और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने मुलाकात किया है जो भारत के विरोध में काम करता है, कई ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात किया है जो भारत का कट्टर विरोधी है। शायद उसी को विकास यादव का और उसका कोड नाम दे करके आए होंगे और जिस वजह से हमारे पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव के ऊपर ये कहर नाजिल हुआ है। और अभी बात जो है वो अंडर प्रोसेस है, अंडर लीगल प्रोसेस है, पन्नू मरा भी नहीं है तो इसलिए हत्या के चार्जेस एफबीआई लगा भी नहीं सकता है और अभी अंडर ट्रायल और अंडर हियरिंग और अंडर प्रोसेस ये मामला चल रहा है। तो एफबीआई अचानक से जो ये बात बोला है ठीक उसी तरीके से जैसे जस्टिन ट्रूडो को 48 घंटे पहले अपने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़ा कि निज्जर मरा तो लेकिन उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि हम भारत को एलिगेशन लगा सके, उसी तरीके से कल को ऐसा ना हो कि बिडेन साहब को भी माफी मांगनी पड़े और अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़े कि पन्नू मरा तो नहीं है लेकिन हम एलिगेशन भारत के ऊपर नहीं लगा सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो ये दिन भी आएगा, आप लिख लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और विकास यादव के बारे में, जिसके पीछे आजकल अमेरिका का जो एफबीआई है वो हाथ धो के पड़ा है और उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बता रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और इसमें आपको जानकारी मिली है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।